Hey guys, welcome back to my channel. That's Do It With Nikki. This is Nikita here, and आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज आई एम नॉट शूटिंग अ व्लॉग व्लॉग काइंड ऑफ थिंग बट आई एम गोइंग टू बी डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई वार्डरोब क्योंकि मेरा कबर्ड काफ़ी गंदा हो चुका है एंड आई थॉट लाइक इट्स हाई टाइम टू ऑर्गेनाइज इट एंड मेक इट क्लीन. इट्स बिकम सो बैड राइट नाउ दैट आई माई सेल्फ कैंट फाइंड द क्लोथ्स दैट आई नीड. So please keep on watching this video to see how I organize my dirty wardrobe into something beautiful now. So this is the wardrobe behind me. This is my parents' wardrobe, my mom and dad, so I'm not going to touch that. And this right side is my and Shanice's, which has become only my after marriage. So ये काफी गंदा है. Fully messed up. And I seriously can't find anything. So wish me good luck before I start this shubkam. तो सबसे पहले जो मैं चीज़ करने वाली हूँ is I'm not going to be sorting it according to the shelves. I'll just put everything and dump it on the bed so that the cupboard looks clean and tidy and completely neat. So let's do that first. Also. Oh my god, I'm seriously tired just pulling out the clothes from the cupboard and I think 2 to 3 hours to lagne wale abhi mujhe. Aur kitne sare kapde hain. In the end I just end up wearing just few clothes which are my all time favorite and the rest I don't even know that they exist. So I seriously need to sort this out. And I'm surely going to donate some clothes which are in very good condition. And as you all can see, everything is dumped on the bed and the cupboard is spick and span now. So the first thing that I need to do is, because maine cupboard kafi dino se saaf, kafi mahino se saaf nahi kiya tha, so I'll wipe it off with a wet cloth or maybe a dry cloth. I have taken a dry cloth. Does not have any moisture. सिर्फ 3 साल पुराना है तो इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन. सो पोचा मार के हो चुका है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट माई मोम ऑलवेज हैज़ अ हैबिट ऑफ पुटिंग इट इन अ कबर्ड्स और इन द किचन और इन द बाथरूम आर दीज नैफ्थलीन बॉल्स. मैं एक्चुअली काफ़ी लोगों को देखती नहीं हूँ ये करते हुए बट माई मोम हैज़ थॉट अस दैट वी शुड ऑलवेज पुट फ्यू नैफ्थलीन बॉल्स इन आवर वार्डरोब बिकॉज इट इज एंटी इंसेक्ट फ्री ऑफ कॉकरोचेस एंड मॉथ्स दे डोंट कम इन साइड आर क्लोथ्स और आर कबर्ड. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट टिप. एंड बिफोर आई पुट दीज नैफ्थलीन बॉल्स इन साइड द वार्डरोब उसके पहले आई लाइक टू डू वन मोर थिंग इज आई लाइक टू लाइन द वार्डरोब फ्री स्पेस इन माई कबर्ड विद सम न्यूज़पेपर. दीज आर सम ओल्ड न्यूज़पेपर्स. सो इससे क्या होता है कबर्ड भी प्रोटेक्टेड रहता है. सो इट्स अ नाइस थिंग. मैंने सभी शेल्व्स को लाइन कर दिया है ओल्ड न्यूज़पेपर के साथ. नाउ इट्स टाइम टू पुट दीज नैफ्थलीन बॉल्स. पुट इट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द वार्डरोब एंड आई थिंक 2 आर इनफ ऑन ईच शेल्फ एंड दीज लास्ट फॉर अबाउट 12 months. Also now I'm going to be using these big boxes. Actually I had this in my house spare so I thought of using this and making my cupboard look more organized. So I'm going to line it with a newspaper and then put some kind of clothes inside this. And you can completely skip the step of putting newspapers. I am used to doing this and I see my mom always doing this so I do this. मेरे पास क्योंकि घर पर एक बॉक्सेस ऑलरेडी पड़े हुए थे सो आई थॉट दैट आई मेक यूज ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ परचेसिंग अ न्यू बॉक्स एंड वेस्टिंग सम मनी. सो यूज व्हाटएवर यू हैव एट होम. वन फेवरेट थिंग दैट आई लाइक टू डू व्हेन आई एम ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग माई हाउस और क्लीनिंग माई कबर्ड इज आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. आई एम गोइंग टू लिसन ऑन स्पॉटिफाई माई लाइक सॉन्ग लिस्ट. सो दिस विल कीप ऑन प्लेइंग एंड आई विल डू माई वर्क विदाउट गेटिंग बोर्ड. सो मैंने ये तीनों बॉक्सेस को लाइन कर दिया है ओल्ड न्यूज़पेपर से लाइक दिस. कि आप देख सकते हो आई हैव गॉट दीज ओल्ड टैग्स इन माई हाउस. सो मैंने 3 को एक साथ में लगाया हुआ है. थोड़ा टेढ़ा है
but I'm going to try to put this in line now. And I will decide what I have to keep in these boxes. So मैंने boxes को इस तरह से place कर दिया है, दो ऊपर और एक नीचे. And I'll put something else in these remaining places. So अभी के लिए I'll start folding my clothes. After I finish folding some clothes, I'll organize them into different category, like jackets, t-shirts, tops, crop tops, dresses, and then I will think what to put where. Folding all these clothes, and I have kept it according to category wise. और इसको करने में मुझे approximately 2 घंटा लग गया है. Now I'll put it in proper order. क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्रॉप टॉप्स और नॉर्मल टॉप्स है, सो आई हैव डिसाइडेड आई विल पुट देम इन दिस. एंड आई हैव स्टैक्ड इट लाइक दिस इन 2 लेयर्स बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स, एंड सिंस द बास्केट इज बिग इन साइज आई कैन एक्चुअली फिट इन मोर क्लोथ्स. सो ये हो गया है, आई विल फिल सम मोर टॉप्स इन दिस. Stacking my crop tops and normal tops in these 2 baskets, and I have made 2 layers of clothes because I have too many tops and the basket also is bigger in size. So this looks neat. Now over here, since I have some more space, मैंने सोचा है कि क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे jackets है, I'll keep some jackets behind, and in the front I'll keep my daily wear clothes. I don't know why we have a lot of jackets, denim jackets, normal sweatshirts and all, so I'm going to keep it over here. 2 9 jackets over here. This much is enough. Now I'll keep my daily wear clothes over here. Area is done. I still have some space over here, so I'll hang something later on. अभी मेरे पास यहाँ पर space है और एक box है, and there's some more space over here. I'll keep the things that I don't require too much over here. सारे beauty products रखे हुए हैं. मैं यहाँ पर मेरे ट्राउजर्स, जीन्स और काफ़ी सारे पैंट्स रखने वाली हूँ बिकॉज आई हैव प्लेंटी. जीन्स, सम ट्रैक पैंट्स, जिम पैंट्स. आई एम गोइंग टू पुट माय ड्रेसेस ओवर हियर. दिस आल्सो इज डन. I have moved these pants because there was lot of space over here. मैंने इसको पीछे shift कर दिया है और मेरे पास सिर्फ इतने सारे shirts हैं जो मैं mostly school में पहनती हूँ. So I have kept these in the front over here next to the pants. अभी हम जाते हैं last area में. Here I'll put my remaining t-shirts, dresses and whatever that I don't use mostly. मैंने कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट्स और टॉप्स डाले हैं जो मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ. सेंटर में आई हैव केप्ट माय सलवार कमीज कुर्ता, विच इज़ अगेन ओनली व्हेन आई एम इन मूड आई वेयर दिस. और ये है और कुछ जैकेट्स विच आर फॉर विंटर एंड ऑल, सो आई हैव केप्ट इट इन द लास्ट. एंड आई एम ऑलरेडी टू टायर्ड बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3.5 hours एंड आई एम डूइंग दिस. नाउ द लास्ट पार्ट दैट्स लेफ्ट इज दीज ड्रॉज. स्टार्ट डूइंग द ड्रॉज. मेरे पास ये 1 2 3 skirts है सिर्फ, विच आई विल कीप योर. यहाँ पे बराबर स्पेस है, सो आई हैव पुट इट ओवर योर बिहाइंड दिस ड्रॉज. काफ़ी सारा स्पेस है इन ड्रॉज में भी, सो आई विल बी पुटिंग माई इनर वेयर एंड ऑल इन दिस. सो ऑल द इनर वेयर्स आर योर. दीज आर सम एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, एप्रन, न्यू ड्रेस एंड सम बेल्ट्स ऑफ सम ड्रेसेस. और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्टैंड था हैंगर अटकाने के लिए, आई हैव पुट सम आयरन क्लोथ्स विच आई कैन यूज़ फॉर स्कूल और सम अदर टाइम. लेबल करके हो गया है टॉप्स, क्रॉप टॉप्स एंड ड्रेसेस. So guys, please comment and let me know if you liked my arrangement of the wardrobe. Please comment below and let me know कि आप कैसे करते हो organize आपका wardrobe. क्या आप ये boxes use करते हो or there's some other way, some hanging thing. Also guys, इस cupboard में सिर्फ मेरे सारे कपड़े हैं. There is one more cupboard in which I keep my sling bags, shoes
and perfumes and all the things. Show you that maybe some other time when I organize that cupboard. यहाँ पर जो आप देख सकते हो, I have taken out these clothes because these are all my favorite clothes which I wear mostly. लेकिन अभी काफ़ी time पहन चुकी हूँ, so I thought like, and they are in good condition. So मुझे लगा कि I'll donate those. And over here on the left hand side, ये सब dresses है और tops है जिस पर अभी भी tag लगे हुए हैं. And I have worn it hardly for once, or not even once maybe. So please let me know what I should do with these clothes. If you have any ideas for me. So that's it for the video guys. अगर आपको ये video पसंद आया जिसमें मैंने अपना wardrobe को organize किया कुछ अलग तरीके से. And if you enjoyed watching this, please press the like button. And also subscribe to my channel if you are new to my channel. और comment section में please comment करके मुझे बताइए कि आपको ये video पसंद आया कि नहीं. And let me know the way you organize your wardrobe. I will be coming up with a new video soon. Until then, be safe, take care. Bye-bye.